तो चलो देखते हैं क्या चल रहा है आजकल यूट्यूब पे। मुझे YouTube ही नहीं देखना। हेलो, क्यों बेचूती है? इस बार का Crunchyroll अवार्ड देखा? लगता है देखना ही पड़ेगा इस बार क्या हुआ Crunchyroll Anime अवार्ड्स में। अच्छा चलो नीचे से देखना स्टार्ट करता हूँ। सो पहला वाला है बेस्ट एंडिंग सीक्वेंस। तो फिर चलो देखते हैं किसने जीता है। बट पता नहीं कैसे, बट मुझे लग रहा है कि मुझे पता है ये किसने जीता होगा। अरे यार सच में मेरे को पता था चिका तो चिका ही जीतने वाला है। मैंने भी उसे ही वोट किया था। सीरियसली इसमें इतनी पावर है कि कैंसर चाहे भी कोरोना वायरस सबको क्योर कर दे। इसके अलावा मैं कहूँगा विनलैंड सागा का एंडिंग जो था टॉर्चेस, वो भी मेरे को काफ़ी सही लगा था। बट चिका डांस कुछ अलग ही लेवल पे सही में, और मैं इससे एग्री करता हूँ। तो फिर अब चलते अपने नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो कि है बेस्ट ओपनिंग सीक्वेंस। सो इस वाली कैटेगरी में मैं ज़्यादा प्रिडिक्शन नहीं करूँगा, बट पर्सनली मुझे मोकांजियो बहुत पसंद आया था। बट मॉब साइको का 99.9 भी कतई आग था। बट स्टिल देखते किसने जीता है। सो शुभम ड्रम रोल लगा दे। एंड द विनर ऑफ बेस्ट ओपनिंग सीक्वेंस इज 99.9 फ्रॉम मॉब साइको 100 सीजन 2। भाई साहब मुझे लगा था इन दोनों में से कोई एक जीतेगा। सो फिलहाल के लिए तो मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। बट Crunchyroll Anime अवार्ड्स में कुछ ठीक नहीं होता है, कब वक्त बदल जाए कभी भी ठीक नहीं है उसका। सो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट ड्रामा। सो मुझे जहाँ तक लगता है इसका विनर होगा विनलैंड सागा। देखा कहा था ना मैंने, चलो कहीं तो रिकॉग्निशन मिली विनलैंड सागा को, नहीं तो आजकल तो लोग बस ओवर पॉपुलर चुतिया आप ही देख रहे हैं। सो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट फैंटेसी। प्रॉमिस्ड नेवरलैंड को मैं फैंटेसी से ज़्यादा थ्रिलर एक्सपेक्ट्स पे मार्क्स दूंगा, पर ओवरऑल अगर हम इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस को देखें तो द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड को ही जीतना था। सो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है कॉमेडी। ये तो मानना पड़ेगा कि कॉमेडी एस्पेक्ट्स में कागोया शामा को बीट कर पाना बहुत मुश्किल है। बाकी नॉमिनेशंस को भी ठीक समझा जा सकता है, बट माय रूममेट इज ए कैट को इधर किसने डाला। सो नेक्स्ट कैटेगरी बेस्ट कपल। और इसके नॉमिनीज है बेस्ट कपल कागोया शिनोमिया एंड मियुकी शिरोगाने, कागोया शामा लव इज वॉर, Baki Hanma and Kozue Matsumoto, Baki. Rika Zonazaki and Shun Amagi, O Maidens in Your Savage Season. Ymir and Historia, Attack on Titan Season 3. Mafuyu Sato and Ritsuka Uenoyama, Given. Reo and Mabu, Sarazanmai. अबे रुको, ये क्या नॉमिनेशन है? मतलब याओई और यूरी कपल से इसमें, खैर छोड़ो जो भी है देखते कौन जीता है। ओके ये काफी एक्सपेक्टेड था ऑब्वियसली, कॉज ज्यादातर याओई और यूरी थे इसमें, प्लस ये कागोया सामा लव इज वॉर एक रोमांस एनिमे है, सो इसका जीतना लाजमी था। बट स्टिल मैं कहूंगा कि विनर बेटर हो सकते थे। मम्मी। सो नेक्स्ट कैटेगरी बेस्ट फाइट सीन। और इसके नॉमिनीज है बेस्ट फाइट सीन थॉरफिन वर्सेस टॉर्कल विनलैंड सागा,
Emperor Crimson versus Metallic, JoJo's Bizarre Adventure, Golden Wind, Tanjiro and Nezuko versus Rui, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Levi versus Beast Titan, Attack on Titan, Season 3, Ushiwakamaru versus Tiamat, Fate Grand Order, Absolute Demonic Front, Babylonia, Mob versus Toichiro, Mob Psycho 100, Season 2. ये भी कोई पूछने वाली बात हुई, क्लियरली मॉब साइको 100 ही जीता होगा, बट स्टिल देख लेते हैं कॉज दिस इज क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड्स. ओके, लेट्स जस्ट अज्यूम कि मॉब साइको 100 का सीजन 2 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बट स्टिल यार ऑन ए सीरियस नोट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डीमन स्लेयर वाली खराब थी, वो बहुत अच्छी थी, पर जब हम उसे मॉब साइको के फाइट के साथ साइड बाय साइड अगर कंपेयर करते हैं तो दिल से बस एक ही आवाज़ आती है, मॉब साइको डिजर्व दिस वन. सो नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट स्कोर, जिसके नॉमिनीज है बेस्ट स्कोर Kevin Pankin, The Rising of the Shield Hero. Hiroyuki Sawano, Attack on Titan, Season 3. Go Shina and Yuki Kajiura, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Yugo Kanno, JoJo's Bizarre Adventure, Golden Wind. Can you feel my tears? Maki, Carol and Tuesday. Tatsuya Kato, Hiroaki Tsutsumi, and Yuki Kanesaka, Dr. Stone. तो इसका ज़्यादा मुश्किल नहीं था, एक म्यूजिक सेंट्रिक एनिमे को बेस्ट स्कोर का अवार्ड मिला, पर कुछ भी बोलो मेरे लिए हिरोयुकी सवानो भगवान समान है, इसलिए अटैक ऑन टाइटन से ज़्यादा उम्मीद थी, पर चलो कोई बात नहीं. सो नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट कैरेक्टर डिज़ाइन, और इसके नॉमिनीज है Best Character Design. Carol and Tuesday, Tsunenori Saito, Original Character Design by Eisaku Fubonouchi. Vinland Saga, Takahiko Abiru, Original Character Design by Makoto Yukimura. Dororo, Satoshi Iwataki, Original Character Design by Hiroyuki Asada. Kaguya-sama, Love is War, Yuko Yahiro, Original Character Design by Aka Akasaka. Sarazanmai, Kayoko Ishikawa, Original Character Design by Miggy. Dr. Stone, Yuko Iwasa. इस पे no comments. चलो देखते हैं कौन जीता. शुभम ड्रम रोल प्ले कर. Yep, बहुत सही था. मैं काफ़ी एग्री करता हूँ इससे कि दोरोरो जीता है, कॉज 80s के आर्ट को मॉडर्न लुक में डालना कोई आसान काम नहीं है, और इन्होंने इसे बहुत ही अच्छे से किया है. सो बेस्ट कैरेक्टर डिज़ाइन का अवार्ड इन्हें ही मिलना था, पर हम डिज़ाइन की बात करें तो साराजान माई के डिज़ाइंस को भी कंसिडर किया जा सकता था, क्योंकि वो भी बहुत यूनिक थे. सो इट वॉज़ ए टफ चॉइस. सो नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट एनिमेशन, और इसके नॉमिनीज है बेस्ट एनिमेशन, Mob Psycho 100 Season 2, Bones. Sarazanmai, MAPPA. Attack on Titan Season 3, Wit Studio. Vinland Saga, Wit Studio. Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, UFO Table. Fate Grand Order, Absolute Demonic Front, Babylonia, Cloverworks. ये हुई ना बात, ऐसे नॉमिनीज लाया करो जिससे लोगों को दो बार सोचना पड़े. एक्चुअली इसमें रहने देते हैं, मतलब जो भी जीते मेरे को चलेगा. स्टूडियो बोन्स हो और एनिमेशन अच्छा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता. मतलब सारे फ्लूइड एनिमेशन सीक्वेंस इस बार एटलीस्ट लोगों ने सोच समझ कर वोट किया है. सो नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट डायरेक्टर, और उसके नॉमिनीज है Best Director. Tetsuro Araki, Attack on Titan, Season 3. बस हो गया, हो गया. अब मेरे को देखना ही नहीं है. अब देखा क्या कहा था, मतलब ऑब्वियसली हाजिमा इशायामा के सबसे पॉपुलर वर्क के एनिमे एडेप्टेशन को इतनी परफेक्टली करना, क्या ही बोल सकते हैं. मतलब अटैक ऑन टाइटन के डायरेक्टर्स लिटरली ये अवार्ड डिजर्व करते हैं. सो नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट गर्ल, और इसके नॉमिनीज, छोड़ो नॉमिनीज को, डायरेक्ट विनर देखते हैं.
इंटरेस्टिंग, मतलब इसमें भी लोगों ने कुछ सोच समझ कर ही वोट किया होगा, बट स्टिल अब नॉमिनीज भी देख ही लेते हैं। सो नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट एंटागोनिस्ट, और इसके नॉमिनीज है बेस्ट एंटागोनिस्ट एशलॉट विनलैंड सागा, आयमगासे बेबिलोन, गारो वन पंच मैन सीजन टू, इसाबेला द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड, Angela, Carol and Tuesday. Overhaul, My Hero Academia Season 4. LOL BC, ये भी कोई नॉमिनीज हुए क्या? मतलब एस्काल आदि जीतेगा ये वाला तो. So, finally Crunchyroll Anime Awards अपना पुराना रूप दिखा रहा है. लाइक सीरियसली मैं कहूंगा कि ये अवार्ड एस्कलाद को ही मिलना चाहिए था. हैशटैग जस्टिस फॉर एस्कलाद. सो नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट प्रोटैगनिस्ट, और इसके नॉमिनीज है बेस्ट प्रोटैगनिस्ट टोरू होंडा फ्रूट्स बास्केट, क्याकीमारू डोरोरो, तांजिरो कमारो Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, Senku Dr. Stone, Saitama One Punch Man Season 2, Emma The Promised Neverland. मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि सेंकू के जीतने के चांसेस पता है मेरे को घटिया जोक है. सो हमारी लास्ट कैटेगरी है एनिमे ऑफ द ईयर, जिसके लिए आप सभी लोग वेट कर रहे थे, एंड द एनिमे ऑफ द ईयर इज जब वही ओवर रेटेड एनिमे सीरीज को जिताना था तो सालो नॉमिनीज भी क्यों रखा, डायरेक्ट अवार्ड दे देते.